मुझे मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। मैं ऐसा करना नहीं चाहता, पर आज मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता। पर मेरी भी एक शर्त है, यदि आज मेरे तीर ने लक्ष्य भेद दिया तो फिर आप दोबारा मेरी मां का अपमान नहीं करेंगे। अवश्य। लक्ष्य, जय जननी, 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 जय जननी। ये सुशीम समय रहते सब कुछ कर लेगा ना? निश्चिंत रहिए महारानी, परम शक्ति है वो, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। दोनों को तीन तीन तीर दिए जाएंगे, पहले राजकुमार सुशीम निशाना साधेंगे और फिर अशोक। क्या हुआ? इस बार अपना गुरु का आशीर्वाद नहीं लेना चाहते? आपको स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है भ्राता सुशीम। पुत्र। माँ, आप यहाँ? एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो हम आपसे कहना चाहते हैं। अवश्य कहिए माँ। हमें अपने पिता से भेंट करने के लिए अनुमति नहीं मिल रही है, इसलिए हम प्रजा के समक्ष ये प्रार्थना लेकर आए हैं। को किसी की भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपके यात्रा का प्रबंध मैं स्वयं करूंगा। आप निश्चिंत रहें। हमारी चिंता मत करिए पुत्र, हम अपना ध्यान रख सकते हैं। हम तो आपको आपके दायित्वों से मुक्त करवाना चाहते हैं। अर्थात? अशोक अपना लक्ष्य तो वैसे कभी नहीं चूकता, लेकिन यदि वो चूक गया तभी तुम बांध जला देना। पिताजी महाराज,
छोटा सम्राट हूँ तो दादी माँ की यात्रा का प्रबंध भी हम करेंगे। अशोक ने सम्राट तीर मार दिया। रुपाट रुपाट, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे नन्हे सब्र। अरे कोई राजवैद्य को बुलाओ। जी महाराज के स्थान पर द्रौपदी को कैसे देख लग गए? तुम्हें कुछ नहीं होगा पुत्र। सम्राट कल मृत्यु को प्राप्त होगा। यही अवसर है, इस बार अशोक बचना नहीं चाहिए। कहने को तो द्रुपद की माँ हम है, किंतु लड्डू उसे केवल आपके हाथ के पसंद है। कहते हैं आपके हाथ में माता धर्मा वाला स्वाद नहीं है। सुब्रसी, सुब्रसी, अनर्थ हो गया सुब्रसी। क्या हो? सुब्रसी मुझे क्षमा कर दे, ये दुखद समाचार मैं तुम्हें सुना रही हूँ। पर द्रुपद, अशोक ने द्रुपद को तीर मार दिया है। द्रुपद, पहले सुशीम फिर श्यामक और अब द्रुपद, वो आहत पड़ा है वहां जहां सम्राट पूरी प्रजा को अपने दर्शन देते हैं। द्रुपद, द्रुपद, अब अशोक के लिए मृत्यु दंड तो निश्चित है। परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा अपने भाई पे। Thank you.
मुझे क्षमा कर दीजिए नन्हे सम्राट, मैं आपकी रक्षा न कर सका। ये पता नहीं कहां से हुआ, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। नाटक बंद कर। आपको मुझ पर विश्वास है ना? छोटे भाई की हत्या कर दी, प्राण ले लिए उसके। आज उसका जन्मदिन था अशोक। श्यामक और सुशीम से तुम्हारी शत्रुता समझ में आती है अशोक, किंतु ध्रुव उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? ध्रुपद को जानबूझ कर नहीं मारा, ये दुर्घटना थी। अशोक सत्य कह रहा है मां, ये एक दुर्घटना थी। क्योंकि वो बाण जो अशोक ने चलाया ध्रुपद को मारने के लिए नहीं, सम्राट को मारने के लिए चला गया। और यदि आप ध्रुपद को नहीं उठाते तो बाण आपको लगता। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राता? सत्य कह रहा हूं अशोक, तुमने सीधा सम्राट पे लक्ष्य साधा था। बस भ्राता, बहुत हुआ। चिल्लाओ मत अशोक, आज तुम्हारे चिल्लाने से मैं सत्य का दमन नहीं होने दूंगा। आज तुम्हारे अहंकार, तुम्हारी असुरक्षा, तुम्हारे सिंहासन पर बैठने की महत्वाकांक्षा ने आज एक भाई के प्राण ले लिए है। हो सकता है कल एक और भाई के प्राण ले लो तुम, पर आज मैं सत्य बोलने से नहीं रुकूंगा, ना कोई मुझे रोक सकता है। सुशी, ना ही स्थान उचित है और ना ही समय। अभी अभी ध्रुपद जानता हूं मैं मां, जानता हूं अभी अभी ध्रुपद ने अपने प्राण त्याग दिए। बुरा इस बात का लग रहा है कि जाने से पहले वो अशोक की वास्तविकता नहीं देख पाया। अब ये मेरा दायित्व है कि इसकी धमनियों का रक्त इससे पहले कि जम जाए, मैं इसका सत्य सबके सामने लाना चाहता हूँ। ये सत्य कि ध्रुपद ने जिस पे सबसे अधिक विश्वास रखा, उसी ने आज ध्रुपद के साथ विश्वासघात किया। पिताजी, आप मौन क्यों? देख लिया आपने, ये था आपके युवराज का चुनाव। क्या अब भी आपको लगता है आपने कोई भूल नहीं की? क्या अब भी आपको इस पे गर्व है? न्याय करिए पिताजी, ना केवल द्रुपद के साथ बल्कि हम सबके साथ न्याय कीजिए पिताजी। क्योंकि मुझे नहीं लगता वो दिन दूर होगा जब ये चंड अशोक मुझे और सियामक को मार के चला जाएगा और आप ऐसे ही देखते रह जाएंगे। मैं साक्षी हूं, मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा इसे तीर चलाते हुए। अब इसके पश्चात भी मैं वो नहीं रह सकता ना, और न्याय तब भी होगा
जब अपराधी को उसके अपराध के लिए उपयुक्त दंड दिया जाएगा। ध्रुपद ने अपने प्राण नहीं दिए बल्कि उसने मगध को बचाया है, वो भी बड़े संकट से। ऐसे राक्षस का सत्य हमारे समक्ष प्रस्तुत करके और हम सबको उसे न्याय दिलाना ही होगा। न्याय करिए सम्राट न्याय करिए। हाँ सम्राट, हमें भी न्याय चाहिए अभी। सभा बुलाई जाए। आज इस सभा का उद्देश्य है न्याय। युवराज अशोक पर राजकुमार ध्रुपद की हत्या करने का आरोप है। नहीं, ध्रुपद को तो न्याय मिलना ही चाहिए। अशोक ने उससे भी बड़ा अपराध किया है और वो है पिताजी महाराज की हत्या करने का प्रयास करना। ये सत्य नहीं है। तो जो सत्य है उसका प्रमाण दे दो तुम। पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? ताकि युवराज से सम्राट बनने के लिए तुम्हें अधिक प्रतीक्षा न करनी पड़े। ऐसी नीच सोच आपकी ही हो सकती है। आपको तो भ्राता कहने में भी मुझे घृणा होती है। सभा के मर्यादा का स्मरण रहे। पिताजी मेरा विश्वास कीजिए, किसी को भी रक्ष बनाने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। मैं वहां आया था क्योंकि कौरवकी को धनुर्विद्या सीखनी थी मुझसे। तभी भ्राता सुशीम आए और उन्होंने मुझे चुनौती दी लक्ष्य साधने की और फिर इन्होंने। और यदि मुझे ज्ञात होता कि तुम इस प्रकार उस चुनौती का लाभ उठाओगे तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। वो था हमारा लक्ष्य, हम यहां खड़े थे। अब किसी को संदेह नहीं है कि अशोक धनुर्विद्या में निपुण है, मगध का महायोद्धा कहते हैं इसे। और मैं ये भी नहीं कहता कि महायोद्धा का लक्ष्य चूक नहीं सकता, चूक सकता है। पर यदि लक्ष्य वहां है, हम यहां खड़े हैं और तीर उस दिशा में जा रही है तो इस भूल को भूल नहीं कह सकते। ये तभी संभव है जब अशोक अपनी मंशा से उस दिशा में तीर चलाए जहां पिताजी महाराज खड़े थे। हमारे पास क्या तर्क है अशोक? मेरे पास कोई तर्क नहीं है पिताजी। मुझे तो स्वयं समझ नहीं आ रहा है कि मैंने तो बाण सीधा चलाया था, सीधा जाते जाते मुड़ कैसे गया। ना तो पवन की दिशा और तीव्रता ऐसी थी कि ऐसा हो गया। क्या यह सुनिश्चित किया जा चुका है कि जिस बाण से ध्रुपद की हत्या हुई थी ये वही बाण है जो अशोक ने चलाया था? जी, मैंने स्वयं जांच लिया है सम्राट। युवराज अशोक के बाण में सफेद रंग का पंख लगा होता है, उस बाण में भी था। और राजकुमार सुशीम का ये कहना सर्वथा उचित है सम्राट। युवराज अशोक का बाण उस दिशा में तभी जा सकता है जब उसे जानबूझकर उस दिशा में छोड़ा गया। और चुनौती के लिए जो लक्ष्य निश्चित किया गया था वो तो सम्राट से बहुत पहले और दूसरी दिशा में भी था। किंतु महामात, ये भी तो संभव हो सकता है कि वो बाण, वो प्राणघातक तीर किसी और ने चलाया हो। क्यों नहीं, अवश्य। पर इसके लिए वहां पे किसी और का उपस्थित होना भी अनिवार्य है। पर वहां पे मैं, अशोक और कौरवकी ही उपस्थित थे। और यदि आपको मुझ पे विश्वास नहीं तो कलिंग की राजकुमारी कौरवकी से स्वयं ही पूछ लीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सभा में सत्य का मान रखेंगे। क्यों राजकुमारी? मैं जहां तक अशोक को जानती हूँ उसे पूर्ण विश्वास है। अशोक अपने भाई को मारने के बारे में सोच ही नहीं सकता है और ना ही अपने पिता को। यहाँ तथ्य पर बात हो रही है कौरवकी, तुम्हें क्या लगता है क्या नहीं इसका कोई महत्व नहीं है। जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर दो। क्या वहाँ और कोई था या नहीं? नहीं, वहाँ कोई नहीं। जो तथ्य सामने आए हैं उससे ये स्पष्ट है कि अशोक ने अपराध किया है।
दोषी है। मेरे पुत्र ध्रुपद के अंतक्रिया के पश्चात अशोक के दंड की घोषणा करूंगा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.